नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। बात तो यूपी ट्रिपल एससी की करें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस फ्लैश सेल ऑफर का लाभ ले सकते हैं। केवल आज के लिए यह ऑफर 24 घंटे के लिए है। इस ऑफर में 359 रुपए में 640 भर्तियों के मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। मॉक टेस्ट की कुल संख्या यहां पर देख सकते हैं आप लोग लगभग 56,000 है। टेस्ट बुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें 15,00,000 से ज्यादा छात्र जुड़े हुए हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। 12 भाषाओं में ये उपलब्ध है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग आज ही जाकर के इससे जुड़ सकते हैं। एक बात और बता दूं कि 359 रुपए में एक साल के लिए आपको ये पास तो मिलेगा ही 640 एग्जाम का, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की सूचना को। और सबसे पहली सूचना, यूपी ट्रिपल एससी न्यू नोटिस रिजल्ट। यूपी ट्रिपल एससी, मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी आज यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती का परिणाम जारी कर देगा। देर शाम आज आपको ये परिणाम वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा और इसके बाद फिर आपको पीईटी का परिणाम और जूनियर इंजीनियर और एएसओ भर्ती का परिणाम देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले संभावना है पीईटी की। तो यूडीए एलडीए के विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। और अब बात करेंगे राजस्व लेखपाल भर्ती की वीडियो री एग्जाम की। आज विद्यार्थियों ने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती के लिए ट्विटर अभियान चलाया और लगभग शाम को 4 बजे तक 3,50,000 ट्वीट हो चुके थे। इसमें भी विरोधाभास है, क्योंकि बहुत जो बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट हैं, इन लोगों ने इन विद्यार्थियों का साथ नहीं दिया। वहीं पर कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी ना हो, ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 212,000 विद्यार्थियों ने इसकी परीक्षा में शामिल हुए थे, परीक्षा दी थी इसकी। और इसमें कुछ लोगों ने, उन्हीं कोचिंग संस्थानों ने इसकी जो कट ऑफ है वो 80, 85, 83 बताई। तो कुछ उन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और नो डाउट इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है और इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैं भी ये चाहता हूं कि भ्रष्टाचार में शामिल एक एक विद्यार्थी को निकाल के ही परिणाम जारी हो, तुरंत परिणाम बिल्कुल इस तरीके से बिना उनको निकाले परिणाम जारी ना हो। और इसी क्रम में विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, हालांकि ये सभी विद्यार्थी भी यही मांग कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त विद्यार्थी हैं इनको निकाल करके जांच जल्दी हो और जल्द से जल्द ये परिणाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि मंडी की तरह ये भर्ती लटक जाए, वीडियो की तरह ये भर्ती लटक जाए। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, उन विद्यार्थियों ने इन विद्यार्थियों का साथ नहीं दिया। जिनकी कट ऑफ ज़्यादा है, केवल उन्हीं विद्यार्थियों ने बार बार ट्वीट करके एक अभियान चला करके लगभग 3,00,000 ट्वीट कर डाले हैं शाम तक। तो यहाँ पर आज जो लेखपाल भर्ती के परिणाम की बात हो रही थी, तो साथ में आप लोगों ने देखा होगा वीडियो री एग्जाम की भी मांग विद्यार्थियों ने की है। और हालांकि ये जो अभियान था आज का वो केवल लेखपाल के लिए था, लेकिन विद्यार्थियों ने वीडियो के लिए भी बहुत सारे ट्वीट किए। इन विद्यार्थियों के समर्थन में मैंने भी ट्वीट किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर यूपी लेखपाल रिजल्ट और ये वीडियो री एग्जाम। और वीडियो री एग्जाम ये हैशटैग आज चला है, #UPSSSI वीडियो 2018 री एग्जाम। वीडियो री एग्जाम के लिए सोच समझ करके एक दिन निर्धारित किया जाएगा और सभी छात्र उसमें ट्वीट करें। हालांकि शासन की तरफ से क्लियरेंस मिल गया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और UPSSSI में अगर विद्यार्थी दबाव बनाएंगे और UPSSSI अगर चाहेगा तो वीडियो की जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द हो सकती है। हालांकि इस ट्विटर अभियान का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, UPSSSI की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक खुशखबरी है आज आप लोगों के लिए कि यहां पर जैसे लिखा, भारत ने रचा इतिहास, तीसरी बार जीता ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बांग्लादेश को भारत ने 120 रन से हरा दिया। इसके पहले भी भारत 2012 में और 2017 में ये वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।